प्रार्थी रेवाराम निवासी ग्राम रिंगनी नारधा थाना भिलाई 3 निवासी द्वारा थाना सुपेला उपस्थित होकर रिपोर्ट दर्ज कराई गई कि आरोपी विष्णु सोरेन के द्वारा उप निरीक्षक पद पर भर्ती में नौकरी लगाने के नाम पर धोखाधड़ी किया गया है। प्रार्थी की रिपोर्ट पर थाना सुपेला में धोखाधड़ी का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में ले गया। जिला पुलिस प्रशासन के आला अधिकारियों के मार्गदर्शन में नौकरी लगाने के नाम पर ठगी करने वालों पर त्वरित कार्रवाई करने के निर्देश प्राप्त हैं। अपराध दर्ज होते ही सुपेला पुलिस आरोपी की खोजबीन में लग गई। इसी दौरान मुखबिर की सूचना के आधार पर आरोपी विष्णु सोरेन को रायपुर से घेराबंदी कर पकड़ा गया। आरोपी ने बताया कि प्रार्थी रेवाराम भूतपूर्व सैनिक के अलावा उनके मित्र हेमंत हिरवानी, देवेंद्र कुमार साहू तथा नवदीप कोसे सभी भूतपूर्व सैनिकों को अपने आप को पुलिस के खुफिया विभाग में नौकरी करना बताकर सभी लोगों से 10-10 लाख रुपए में उप निरीक्षक भर्ती में नौकरी लगाने की बात कही थी। प्रार्थी एवं उनके मित्र से कुल 12 लाख रुपए लिए थे। आरोपी विष्णु सोरेन पुलिस विभाग में बर्खास्त आरक्षक है। आरोपी के द्वारा अब तक 15-20 से भी अधिक लोगों को ठगी करने की जानकारी मिली है। पूर्व में भी आरोपी के विरुद्ध नौकरी लगाने के नाम पर धोखाधड़ी करने का मामला थाना कुरुज जिला धमतरी में दर्ज है। आरोपी को दिनांक 11 जनवरी 2024 को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड में जेल भेज दिया गया। प्रार्थी रेवाराम निवासी भिलाई 3 के रहने वाले हैं। इनके द्वारा थाना उपस्थित आकर एक लिखित आवेदन प्रस्तुत किया गया कि ये और इनके साथी हैं, करीब 4 हैं साथी, जो उनके द्वारा एक व्यक्ति है विष्णु सोरेन नाम का, जो कि निवासी रायपुर का है। वो व्यक्ति अपने आप को गोपनीय विभाग का होना बताकर इनको पुलिस की नौकरी लगा देगा कर कहते हुए इनको धोखाधड़ी देते हुए इनसे अलग अलग किस्तों में करीब 12 लाख रुपए इन लोगों से ले लिया है। इसके संबंध में इन्होंने जब नौकरी नहीं लगी और पैसे वापस किए तो टाल मटोल करता रहा और फरार हो गया है। कि सूचना पर पुलिस ने धारा 420-34 के तहत FIR दर्ज किया था। FIR दर्ज करने के बाद पे आरोपी का पता तलाश जारी था। पता तलाश के दौरान पे आरोपी की सूचना मिलने पर रायपुर से आरोपी को गिरफ्तार किया गया। आरोपी से पूछताछ करने पर उसने अपना जुर्म स्वीकार किया है। और इस संबंध में जब आरोपी के बैकग्राउंड के बारे में पता किया गया तो पता चला कि वो पहले भी इस तरीके की अपराध को अंजाम दे चुका है। कुरुद जिला धमतरी में उसके विरुद्ध में अपराध भी दर्ज है और भी कई जगहों से अलग अलग लोगों से। अभी जो अपुष्ट खबरों से हमको पता चल रहा है कि बहुत सारे लोगों से इन्होंने पैसा लिया है। और अब जो FIR हो रहा है और न्यूज़ वगैरह में देखने के बाद काफ़ी लोग आने की आशंका भी है। सर पहले भी किसी अपराध में सम्मिलित? हाँ, पहले भी मैंने बताया कि कुरुद में जो अपराध है, कुरुद जिला धमतरी में इसके विरुद्ध में एक अपराध 420 सेम तरह का जो अपराध है, नौकरी लगाने के नाम पे ठगी इस तरीके से इसने किया है, जिसमें अपराध दर्ज हुई है, गिरफ्तार भी हुआ है और कोर्ट में ट्रायल भी चला है। इस महत्वपूर्ण कार्रवाई में थाना प्रभारी सुपेला निरीक्षक दुर्गेश कुमार शर्मा, अमित अदानी का विशेष योगदान रहा।